हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले और भटूरे। इसके लिए मैंने मैदा ले रखा। अब हम इसमें दही डालेंगे इस तरह। एक कटोरी दही है, आधा किलो मैदा है। अब हम इसमें इनो डाल देंगे इस तरह। अब थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे उसमें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, दही मैदा और इनो और नमक को। जैसे आटा थोड़ा टाइट से करेंगे, पानी इसमें बिल्कुल हल्का डालेंगे ताकि वो आटा बढ़िया से मिक्स हो जाए इस तरह। कम कम पानी डालना, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। बढ़िया से इसे मिला के इनो इसलिए डालते हैं ताकि गैस न बने खाने के बाद। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे इस तरह। रिफाइंड डाल के ताकि इसकी पपड़ी न जमे, बढ़िया से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे 3 घंटे के। अब हम छोले की तैयारी करेंगे। छोले को मैंने भिगो रखा है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी नमक। अब हमने चाय पत्ती खोला कर रख रखी, उसमें थोड़ी सी डालेंगे ताकि इसका कलर बढ़िया दिखे, बाजार की तरह छोले हो जाए। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें मिर्ची है और तेज पत्ता और ये आपका जीरा मिर्ची पहले भून लेंगे थोड़ा सा इस तरह। गरम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का गरम करेंगे ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। इसी में हमने गरम मसाले भी डाल दिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इस तरह देखो तैयार हो गया मसाला। अब हम लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज काट के बारीक कर लेंगे थोड़ा, दरदरा सा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे इस तरह। हमने इसे मिला लेंगे इस तरह बारीक करने के लिए। देखो अब हमें हमारा तैयार हो गया, बढ़िया बिल्कुल। अभी हमारा छोला उबल के तैयार हो गया है इस तरह। हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि बढ़िया से बन। अब तेल में जीरा डालेंगे इस तरह। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुका। अब हम उसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए बिल्कुल भून के। इस तरह हम चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। अभी हमारा हो गया कलर तैयार। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अभी हमारा भुना गया। अब इसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा भून देंगे। उसके बाद वो अब हम इसके बाद मसाला डालेंगे जो हमने भून के रखा था हल्का। अब हम इसमें भूनेंगे मसाले को थोड़ा सा। इसमें मैंने आमचूर भी डाल रखा ताकि आपका छोले बहुत स्वादिष्ट हो, इसलिए हमने। अब देखो हमारा ये मसाला भूनने वाला है, अब तैयार हो गया। अब हम इसमें छोले डाल देंगे। तैयार हो गया आपका। अब थोड़ी देर से पकाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमारे छोले का कलर बहुत अच्छा आ गया है, देखने में भी बढ़िया लगना चाहिए खाना, इसलिए हमने। अब ये हमारा आटा तैयार हो गया। 3 घंटे तक हमने छोड़ दिया था आटे को। अब ये भटूरे बनाने के लिए बिल्कुल आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे
इस तरह मिला लेंगे आटे को। अब हम इसे बेलेंगे, डालडा डालेंगे कढ़ाइया में। बिल्कुल गर्म आंच पर भटूरे फूलता है। अब ये देखिए हमारा भटूरा फूलने लगा बिल्कुल। इस तरह हम ये हमारा भटूरा इसी तरह हम बनाते जाएंगे, गर्मा गर्म छोले और भटूरे। और दोस्तों ये हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया है, खाइए और दूसरे को भी खिलाइए। और गर्मा गर्म भटूरे टेस्टी।